नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जियोनी द्वारा लॉन्च किया गया नया प्रोडक्ट जिसका नाम है जियोनी M2017। जी हाँ दोस्तों, 2017 ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। ये लॉन्च हो चुका है चाइना में, उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या है प्रोडक्ट में, ऐसी क्या खास बात है। आप उसके ये पिक देख सकते हैं, अभी तक इनका ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ चाइना में लॉन्च हो गया है 27 दिसंबर 2016 के दिन, और ये आते ही लॉन्च होते ही आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है, ऐसे चाइनीज़ वेबसाइट का दावा है। लेकिन हमें सर्च करने पर ऐसी कोई वेबसाइट हमें नज़र नहीं आई, हो सकता उन्होंने सिर्फ चाइना में ही लॉन्च किया हो। तो ये इसके बारे में आपको बताऊंगा प्रोडक्ट में क्या क्या खास है, क्यों इसका सोल्ड आउट हो गया इतना जल्दी, क्या खास है इसके बारे में, और इसके कंपैरिजन में क्या कोई मोबाइल है, इसकी कीमत क्या होगी और भारतीय बाज़ार में कब तक आ गए, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए उसके पहले बता दो, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेक रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ रोज़ आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जियोनी का जो 5.7 इंच का क्वाड HD के डिस्प्ले के साथ में कर्व स्क्रीन जो है, कर्व और सेफायर ग्लास के साथ आने वाला है, काफ़ी अच्छा है। इसमें क्वाड HD की यानी कि 1440x2560 की डिस्प्ले होगी, जो कि फुल HD की 2 गुना ज़्यादा होती है, और एमोलेड की स्क्रीन है जो कि कर्व के साथ में दोनों साइड में आप देख सकते हैं। तो ये सैमसंग गैलेक्सी एच को टक्कर देगी, और इसमें बता दो काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन है। ये जो कवर्ड है, इसका जो ग्लास है ये सेफायर स्क्रीन के साथ में आता है, जो कि गोरिल्ला से भी काफ़ी अच्छा मजबूत होता है, काफ़ी मानी जानी कंपनी है, तो सेफायर स्क्रीन के साथ में आएगा। आगे की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा सेल्फी लेने के लिए, और बैक के साइड में आपको मिलने वाला है 2 ड्यूएल कैमरा, एक 12 मेगापिक्सल का, एक 13 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी खूबसूरत फोटो आपको लेके देने वाला है। और आगे फिंगरप्रिंट सेंसर इस तरह से, कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, डुअल स्क्रीन डुअल जो भी है सिम के साथ में आता है, एक्सपांडेबल जो है इसकी मेमोरी नहीं है, कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला। ये देख सकते हैं आप ड्यूअल कैमरा, एक 12 मेगापिक्सल का, एक 13 मेगापिक्सल, ज्वाइन करते हैं यहाँ पे ड्यूअल टोन फ्लैश के साथ में जियोनी का लोगो आएगा। राइट हैंड साइड पे मोबाइल के आपके पावर बटन्स आएगी नीचे, और वॉल्यूम रॉकर्स आएंगे, और इसमें USB Type-C पोर्ट है। आपको बता दूँ 3.5 को जैक को हटा दिया गया है, ये आगे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, और कुछ सेंसर्स वगैरह दिए हैं। और कनेक्टिविटी के मामले में बता दूँ 4G है, ड्यूअल सिम के साथ में है, और मार्शमेलो के साथ में आने वाला है। नॉगट के बारे में कोई अपडेट नहीं है इसके बारे में, और जो भी है इसके बारे में बता दूँ आपको कि ये एमिगो 3.5 जो इनका लेटेस्ट यूज़र इंटरफेस है उसके साथ में आएगा, काफ़ी अच्छा है। बैक जो है इसकी काफ़ी अच्छी लेदर की फिनिशिंग दी गई है, आप देख सकते हैं, कहा गया कि एलिगेटर लेदर्स है ये, काफ़ी अच्छे ग्रिपिंग देगी आपको हाथ में। और इसकी कीमत जो है विशेष मैं बता दूँ आपको, आप कीमत सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कीमत जो है इसकी चाइनीज़ यूआन के हिसाब से 6999 युआन है, यानी अगर आप उसको इंडियन करेंसी x10 कर दो तो आपको एक 70,000 रुपये की कीमत मिलती है। तो 70,000 रुपये में ये लॉन्च हो चुका है चाइना में, भारतीय बाज़ार में कब तक आएगा या ग्लोबल मार्केट में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है अभी तक। और इसके बारे में बता दो, जो वीवो X Play 6 है उसकी तरह से ये उसकी तरह ही मॉडल है, क्योंकि दोनों काफ़ी किफ़ायती, काफ़ी ये महंगे प्रोडक्ट है दोनों। हाला उसका आप जब भारतीय बाज़ार में आएगा तो हम कंपैरिजन करके देखेंगे। ये आपको और बोल्डर लुक, आपको और अच्छा सा लुक दे दूँ। और इसमें एक बता दो, इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का होने वाला है 653 का, जो कि ऑक्टाकोर का होगा, काफ़ी अच्छा मजबूत प्रोसेसर है, गेम्स वगैरह खेलने में मज़ा आएगा। लेकिन इसकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, 70,000 रुपये का, ये इनका बेंचमार्क प्रोडक्ट रहेगा। लेकिन चाइना में सोल्ड आउट हो गया है आते ही, तो जियोनी तो काफ़ी मानी जानी कंपनी, जैसे कि आपके यहाँ पे सैमसंग, वीवो और ओप्पो ने भरोसा जमा लिया, उसी तरह के जियोनी भी है। हालांकि चाइनीज़ कंपनी है लेकिन चाइना में काफ़ी अच्छा सेल है, लेकिन वीवो और ओप्पो 1 और 2 पे है चाइना, और ग्लोबली में भी काफ़ी अच्छा मार्केट है उनका भी। तो इस तरह से लॉन्च हो गया प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की सबसे मेन खूबी जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, अब आपको ध्यान से सुनेगा। ये फ़ोन आता है 7000 mAh की बैटरी के साथ में, और 3 GB नहीं उसके 2 गुना यानी 6 GB का रैम है। बैटरी आपको बता दूँ 7000 mAh की एक साथ नहीं है, इसमें 2 3500 mAh की बैटरी है। अब क्या कॉन्सेप्ट है उसका वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ड्यूएल बैटरी के साथ में आएगा जो कि 3500 mAh की एक एक होगी, यानी 7000 mAh की, जिसकी वजह से इसका वजन 238 ग्राम हो गया। और आपको बता दूँ क्विक चार्ज 3.0 के साथ में है, जो कि क्विक फास्ट चार्जिंग करने वाला है इसको, तो काफ़ी अच्छी बैटरी होने वाली है इसकी, इसके लिए काफ़ी वजन भी हो गया है। और इसका प्लेबैक टाइम कहा गया है कि 25.89 आवर्स आपको प्ले करके देगा वीडियोस, और जो इसके स्टैंडबाई टाइम है वो 915 घंटे हैं, यानी तकरीबन 35-37 दिन के करीब होगा। तो ये काफ़ी अच्छा देखने वाली बात होगी, भारतीय बाज़ार में अभी तक इतने
बैटरी कैपेसिटी वाले मोबाइल लॉन्च नहीं हुए, तो ये जियोनी इस तरह से पहला हो सकता है यदि अगर इन्होंने किसी से पहले पहले लॉन्च कर दिया भारतीय बाजारों में। तो चलिए, हमें इंतजार रहेगा इस प्रोडक्ट के आने के बाद, हम इसके और डिटेल्स में स्पेसिफिकेशन देखेंगे, रिव्यू देखेंगे, कंपेरिजन भी अगर पॉसिबल हुआ तो करना चाहेंगे। तो चलिए भाई जी, टेक्निकल देखते रहिए, आपका दिन शुभ हो।